नफरत का जहर हमारे बच्चों के अंदर फैला है, उस पर विचार विमर्श करें कैसे रोका जाए। अंग्रेज भी ऐसे ही कुर्सियों पर बैठते थे जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस बैठती है। इतने ही गुलाम थे जितने आज हो, पहले कम थे आज ज्यादा हो रही हो। आज भी आप लोगों के हाथ में सत्ता है, आज भी आप लोग ताकतवर हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तलवार की जगह आपको उंगली की आजादी दी है, इस उंगली से बड़े राजा का विनाश कर सकते हो। ऐसी बातें ऐसा फैसला जरूर ले, चुनाव नजदीक है, दोबारा से यही बनेंगे, आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। अब मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे, मुगल जब इस देश में लड़ने के लिए आए, जो राणा सांगा के साथ खड़े हुए असंख्या मेवाती वो हमारे मुसलमान थे। 3 दिन पहले एक स्कूल के प्रोग्राम में गया मुख्य अतिथि के तौर पर, एक छोटे से 10 साल के बच्चे ने भीड़ से उठकर मेरे से बोला, अंकल जी आप वही अंकल हो ना जो मुसलमानों की मेर लेते हो। एक 10 साल के बच्चे ने, मुझे उस बात से बड़ा दुख हुआ, इस बच्चे को जिसको अब तक समाज के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इसको ऐसा आइटम बम कौन बना रहा है, यह शिक्षा इसको कौन दे रहा है। आप यहां आते हो, आप अपनी बातें रखते हो, आज मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूं, हो सकता है दोबारा से बातें ना रख पाऊं, क्योंकि सरकार बड़ी करूर है, हमें हमारे को तोड़ने का काम करती है। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इस बात का पता लगा, हिंदू मुसलमान सिख इनके झगड़े की जड़ क्या है, ये जहर फैलता क्यों है। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है जब ये सुनता हूं। मेरी एक बार एक साथी से आपस में वार्तालाप हुई, मैंने पूछा, आप मेरे को यह बोलते हो कि मैं मुसलमानों का फेवर करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको मुसलमान गंदे क्यों लगते हैं। उस भाई साहब का जवाब था, क्या आप मुगलों को भूल गए, मुगलों ने हमारे साथ क्या किया था। एक एक बात को गौर से सुनना, ताली मत बजाना, मैं हकीकत की बातें करता हूं, हकीकत पे जाना। उसका जवाब था, मुगलों को भूल गए, बाबर को भूल गए, अकबर हुमायूं जहांगीर वो हमारे साथ क्या क्रूरता करते थे। मैंने उसको जवाब दिया, बेटा अपनी नॉलेज बढ़ाइए, मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे, मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे, मुगल जब इस देश में लड़ने के लिए आए, जो राणा सांगा के साथ खड़े हुए असंख्या मेवाती वो हमारे मुसलमान थे। बार बार गंदा गलत इतिहास परोस कर आप हमारे को दिखाते हो, मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया, मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया। टीवी देखो, पत्रकार देखो, अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी किसी बलात्कार में संलिप्त होता है, उस खबर को विश्व लेवल की बनाया जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर रोज 10,000 बलात्कार होते हैं, वे अखबार में क्यों नहीं आते। उससे अलग थोड़ा बीमार हूं, माफी चाहता हूं, आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारी असली लड़ाई क्या है। जब गोरे लोग हमारे यहां आए, उसने देखा हिंदुस्तान को कौन चलाता है, गोरे लोगों को दाढ़ी वालों से बड़ी नफरत थी। दाढ़ी वाले कौन, जाट जट जुट, हिंदू, हिंदुओं के अंदर जाट जो एक मजबूत कौम होती जिसको बोला जाता जाट लैंड, सिख सिखों के अंदर जट, और अपने जो मौलवी होते हैं जिनके अंदर होते हैं जुट। अरे चेक करो, आप एक ही मां के बेटे हो, अपना बलन पहचानो, अपना रक्त पहचानो। जब अंग्रेजों को पता लगा ये हर लड़ाई में एक साथ इकट्ठे होकर लड़ते हैं, सिर्फ ये ही वो बुलंद आवाज, इनको तोड़ा कैसे जाए। आप लोगों को तोड़ने के लिए प्रायोजित दंगा कराया गया 1947 में हिंदू पाकिस्तान का नाम देकर, जो आप लोग इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए 47 से पहले एक होकर लड़े थे, आप लोगों के बीच में ऐसे आइटम बम अंग्रेजों ने तैयार कर दिए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटने लग गए।
लाखों लोगों की ट्रेन यहां से भरकर मुसलमान मुसलमानों की पाकिस्तान जाती है खून से लथपथ। पाकिस्तान से हिंदुओं की ट्रेन भर के यहां आती है हिंदुस्तान में। उनको लड़वाने वाला कौन था, मरवाने वाला कौन था, मिटवाने वाला कौन था? कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदुस्तान की गंदी सियासत और राजनीति। आप लोगों को तोड़ा गया, जो हमारा पंजाब मजबूत था, हिंदुस्तान पे जो राज करता था, उसका उस बदले में 60% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आप लोग 40% रह गए, भाई को भाई से अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद उन्होंने देखा आज भी ये इस मुल्क को चलाने की हिम्मत रखते, इनको और तोड़ो। पंजाब को तोड़ के उसके अंदर से हिमाचल निकाल दिया, उसके अंदर से हरियाणा निकाल दिया, फिर भी आप लोग मजबूती के साथ दिखाई दिए। उनमें सबसे मजबूत रहा सिख। 1984 के दंगों के दौरान सिखों को इतना बदनाम कर दिया गया कि पगड़ी वाला आतंकवादी होता है। उसके बाद बचता है मुसलमान जो आज इस पीड़ा को झेल रहा है। उसके बाद बचता है जाट जो 2016 के जाट आरक्षण के दौरान जातीय दंगों को करा के आप लोगों को भी बदनाम कर दिया गया। हमारे हरियाणा का सीएम कौन है, उसके नाम को जानते हो आप? खट्टर। कहां से आते हैं खट्टर, कहां के थे? पाकिस्तान में रहने वाले, जो प्यार से हमने अपने हिंदुस्तान के मुल्क में रखे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमने बसाया। और आज जब हम आंदोलन करते हैं वो हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं, जो हमारे सीएम खुद वहां के थे। इस देश का दुर्भाग्य है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब जो खुद एक तेली जाति से संबंध रखते हैं, तेली जाति किसके अधीन आती है, किसके अंदर आती है, और आप इस देश को आपस में हिंदू मुसलमान करवा के लड़वाते हो। जिस धरती पर आज आप बैठे हो, जहां पे इस दिल्ली के अंदर जब ये पगड़ियां, ये टोपियां और ये दाढ़ी वाले एक थे, ये दिल्ली हमारी दुल्हन होती थी। आज बड़ा दुख है, दिल्ली को कौन चला रहे, जो दिल्ली के दरबारों में झाड़ू पोछा करते थे उनके लोग चले गए वो असली मालिक, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करवा लो वही राजनीति घुस जाती है। मुझे दुख है जब हम किसी पीड़ा को झेलते हैं, हम अकेले होते हैं उस संघर्ष में, हमारे खिलाफ हमारे अपने लोगों को कर दिया जाता है। आज एक बात बताता हूं, जहां जिस धरती पे खड़े हैं, जो आखिरी लड़ाई थी 1857 की, जब मुगल खत्म होने वाले थे, यहां का जो आखिरी राजा था बहादुर शाह जफर, जिसकी उम्र हो गई थी 80 साल। दो चीजें होती थी, एक तो होती थी रियासत, रियासत का राजा दूसरे राजा के साथ लड़ता था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, राजपूत हो, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। रियासत से अलग होता था देहात। बात करता हूं देहात की, देहात ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। आप वही देहाती लोग हो जिसने किसी की गुलामी नहीं की। सबसे बड़ी भोज आप लोगों की होती थी, जेरी फरसे गंडासे से अच्छी अच्छी संतंत कांपती थी। जब बहादुर शाह जफर कांग्रेस कैद करने के लिए आए, वही राजा जिससे हिंदुस्तान हिलता था, वही मुगल कूच भागकर दिल्ली के जिस पृथ्वी पे, जिस कोने पे आप बैठे हो, यही गांव था छोटा सा जिसका नाम था मालचा। मालचा गांव की शरण में आता है। उस वक्त भी हमारी 360 खाप होती थी, 360 खाप के प्रधान के पास, और ये कहता है मेरी जान बचा लो, मैंने जो कुछ किया उसको भूल जाओ, आज हम सब हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तान के लिए लड़ो। ये बात सुनकर आप लोग वो वर्द हो, वो बुजुर्ग हो, आप लोगों का इतना बड़ा दिल है। उस दुश्मन को आप लोगों ने सफेद पगड़ी बांध दी, सफेद कपड़े पहना दिए, और बहादुर शाह को बीच में खड़ा करके 360 खाप ने ऐलान किया, ये हिंदुस्तान का राजा है, अगर अंग्रेजों ने इसकी पगड़ी को छुआ सब कुछ काट के रख देंगे, नरक बना देंगे तुम्हारे जीवन का। अंग्रेजों सुन लेना, अंग्रेजों को इस बात का पता लगा, अंग्रेज भी कांप गए, देहात से वो भी कांपते थे। आप लोग आजाद होने से पहले भी आजाद थे, गुलाम आप नहीं थे। अंग्रेज भी ऐसे ही कुर्सियों पर बैठते थे जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस बैठती है। इतने ही गुलाम थे जितने आज हो, पहले कम थे आज ज्यादा हो रहे हो, आज इस वक्त ज्यादा हो रहे हो। जब बहादुर शाह जफर गया, जाने के बाद अंग्रेजों को पता लगा, उनसे मिलके आया है, उसकी जान बख्श दी आप लोगों के डर के कारण।
मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, जिस दिन आप लोग मजबूत हो गए, अपने बच्चों को पहचान लिया, अपने बच्चों को मजबूत कर दिया, आप लोगों को हराने वाला कोई नहीं है। आप लोगों की मानसिकता गुलाम हो गई है, मानसिकता। एक प्रजापत ने, कुमार ने 5 गधे बांध रखे, छठे गधे को बांधा नहीं, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसके ऊपर से ऐसे हाथ घुमाकर खूंटे की तरफ कर दिया। सुबह जब गधों को खोलता, चारों गधे खोलते ही भाग लेते हैं। जिस गधे को बांधा नहीं वो वही बंधा रहा है, वो गया ही नहीं कहीं। प्रजापत डंडा उठाता है, 3 दिन पीटता है उसको, वो 3 दिन तक वहां से नहीं हिलता। चौथे दिन प्रजापत के दिमाग में बात याद आई कि आपने इसके ऊपर से वैसे हाथ फिराया था। जब उसके ऊपर से वैसे ही हाथ फिराया, गधे ने सोचा तेरी भी रस्सी खुल गई, गधा तुरंत तोड़ लिया। वही गुलामी की जंजीरें आपके पैरों में है। 1700 में जब अंग्रेजों ने पहली बार आपके राजा को हराया, हिंदू मुसलमान सिख सब खड़े खड़े, लाखों आदमियों की भीड़, जब वे विजयी जलूस निकाल रहे थे, अंग्रेज आप लोगों को देख रहे थे, अंग्रेज आपके बीच से जलूस निकालते हैं, वहां लाखों हिंदुस्तानी उस जलूस को देखते हैं, और उस जलूस को देखकर जो हमारा राजा हार रहा था, उसकी हार पर हम तालियां बजाते हैं हिंदुस्तानी। अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है हमारी संख्या 3000 थी, तालियां बजाने वालों की संख्या 3 लाख। एक आदमी एक पत्थर मारता, हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। हमें दुख है इस बात का, आज भी आप लोगों के हाथ में सत्ता है, आज भी आप लोग ताकतवर हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तलवार की जगह आपको उंगली की आजादी दी है, इस उंगली से बड़े राजा का विनाश कर सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा दुख, मैं यहाँ पीछे बैठ के देख रहा था, जब हमारा बुजुर्ग कोई यहाँ आके बोलता है, पब्लिक शोर शराबा करना शुरू कर देती है। अरे आप 4-5 घंटे नहीं बैठ सकते, क्या क्रांति लाओगे? अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं कर सकते, क्या क्रांति लाओगे? सबसे पहले आप सभी को एक ही बात कहूंगा, ये तो नफरत का जहर हमारे बच्चों के अंदर फैला है, उस पर विचार विमर्श करें कैसे रोका जाए। सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान तलने वालों की उम्र गारंटी देता हूं, किसी एक की भी 30 साल से ऊपर नहीं है। 15 साल से 30 साल के बच्चे, क्योंकि उन्होंने किताबों को पढ़ा है, टीवियों को देखा है, उन्होंने जमीन पर संघर्ष करके धरातल को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को नहीं पढ़ा। मेरे से एक मौलवी साहब कह रहे थे अभी प्रोग्राम में, नोर में, हरस बेटा कितना पढ़ा है? मैंने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब पढ़ा हुआ तो नहीं, ऊपर कढ़ा हुआ हूं। हर रोज अपने बुजुर्गों से नई नई बातें सीखता हूं, अपने बुजुर्गों से सुनता हूं, और वही आप लोगों के बीच में बताता हूं। मैं इस पंचायत के अंदर हाथ जोड़ के अपने जो आखिरी शब्द है वो यही कहता हूं, जो भी माइक पर बोले, बुजुर्गों का मान सम्मान रखे, इनके कद का मान सम्मान रखे। आप ही इनका मान सम्मान नहीं करोगे तो कौन करेगा? चाहे वो कितनी भी देर बोले, उसकी बात को समझने की कोशिश करे। दूसरी बात, कोई ना कोई ऐसी बात ऐसा फैसला जरूर ले, चुनाव नजदीक है, दोबारा से यही बनेंगे, आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। अब आते टाइम भी मेरे पास कॉल आई थी सरकार के किसी नुमाइंदे की, बेटा रस छिकारा नू मेवात में जो तने रोल लिया है ना, उसका तने बहुत जल्दी गिफ्ट मिलेगा। मैं बोला जी क्या गिफ्ट दोगे? मने बोला जल्दी तेरे पे बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी से अलग हर औरत को बहन कह के बोलता हूँ। बोला फिर क्या हुआ? वो हमारा काम है, बलात्कारी तो लवाना है, सरकार हमारी, आदमी हमारे, हम अपने आप लवा देंगे। मैंने कहा मैं कल मरता आज मर जाऊं, मेरे शरीर के अंदर जब तक रक्त की आखिरी बूंद रहेगी, मैं भाईचारे की एकता की बात करता रहूंगा। तो आप सभी ने इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, आप सभी ने इतना प्यार प्रेम दिया, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी स्टेज पर बोलने का मौका दिया, आप सभी को शीश झुका के मैं नमन करता हूं। नमस्कार और जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष भाई, बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपने अपनी अल्फाजों में बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया।